Hi everyone, my name is Rupinder Kaur and with this lesson I'm going to teach you about tenses which cause problem to some of the students jithe karke unhone writing and speaking suffer kar diya. They are not able to make accurate sentences, correct sentences. So for problem solve karan de liye with this video we are going to work on present tense as there are three different type of tenses. That is present, past and future overall and they further have their types. So if we talk about the present tense, present is what we have is like today we have present jo aaj hai jadon assi vartman di gal karde ha aaj di gal karde ha. So at that time we are supposed to use present tense, either we are writing or speaking. So it is very important to learn about tenses when we want to communicate, specifically in English. So itthe kuch types ne, along with example I am going to teach you how to make very simple and short sentences. Te isto ilawa tusi fir apne according bade ya chote as per the requirement te tusi sentence jehde hai bana loge aaram naal. So first I have indefinite. As I told, there are further different types. So present tense जो है इसके आगे चार types ने. One is indefinite, continuous, then perfect and perfect continuous. Indefinite नो simple tense भी कहते हैं. So ये चीज़ आप गल करते हैं. It is now simple present tense या present indefinite tense. This is very simple. सब तो आसान होगा. सो ये आप डू या डज का यूज करना होंगे, मतलब जो एक्टिविटी हो रही है सिर्फ वो. फॉर एग्जाम्पल अपने को है आई रीड, मैं पढ़ती हाँ. सो दिस इज कॉमन. हूँ जो मैं की कर रही हूँ, लाइक देयर वुड बी मैनी स्टूडेंट्स जो अपनी ग्रेजुएशन देयर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं. सो मतलब दैट इज समथिंग स्टेबल, वो तीन साल के लिए कर रहे हैं, दो साल के लिए कर रहे हैं. सो उत्थे बिल्कुल सिंपल बोलेंगे जो उन्होंने पूछूगा कोई वॉट डू यू डू, तुम की करते हो. सो द आंसर कुड बी आई रीड, आई प्ले, आई वर्क, आई डू स्पोर्टिंग, मैनी अदर थिंग्स. सो कोई जगह होगी जिथे डू डज लग जाएगा. कई बार सिंपल आप अपना एक्शन जोड़ा है उसे दस देंगे, मतलब वॉट आई डू इज आई रीड, आई डू रीड. ठीक है, तो ये अपना हो गया बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, मतलब दिस इज वॉट जो प्रेजेंट है. तो कुछ चीजा होंगे ने कॉन्टीन्यूअस का मतलब से जो लगातार कर रहे होंगे, मे बी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या आप कह लो कि कुछ क समय दे ली. सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. हुण ए दा बहुत सिंपल रूल है, जिदा एदे विच रूल सी अपने कोल टू यूज डू डस. एदे विच साडे कोल है is, am, are दा यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन तुसी की यूज कर रहे हो. देन उस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म वी वन हेयर मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैन आई एन जी लगेगा वर्ब के नाल. हुण तुसी ए नहीं सोचना कि इतने डू नहीं लगा, आई डू रीड नहीं आ, क्योंकि एक्शन हो गया. मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर दसता वट डू यू डू, आई वर्क, आई डू वर्क इन अ कंपनी, जिमें भी बोल दो. बट दिस इज मोर एक्यूरेट जो असं देखिए, इतने डू लगा की जरूरत नहीं है, क्योंकि डू भी एक्शन रिप्रजेंट करता तो रीड भी एक्शन ही रिप्रजेंट करता, वर्ब है साडा है. सो इतने जो आप गल करते हूँ इज एम आर दी प्लस वी वन प्लस आई एन जी. सो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मैं रीडिंग लैके ही बनाया. सो इट इज आई एम रीडिंग. हूँ इज या आर क्यों नहीं लगा, आई होंगी जी आई कदे भी इज ते आर नहीं लगता, यू दे नाल इज नहीं लगता, यू नाल आर लगेगा. दैन आई दे नाल अपने को रूल होंदा कि एम लगता, सिर्फ ते सिर्फ आई नाल एम लगेगा, आई एम दैन रीड. वर्ब साडा ए सी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी. इनू आप इदा भी करैक्ट कर सकते कि डू डज दे नाल दी जगह वी वन, बट ये प्लस ध्यान च रखना भी जरूरत है तो कर लो, नहीं तो सिंपल इदा ही लिख सकते हैं. इन्नी चीज भी ठीक है, डू डस वी वन भी मान लो कि आई रीड सिंपल. सो उदा ही इतने
ये अपने गोल की है एग्जाम्पल दे तौर दे आई एम रीडिंग सो आई एम आई मैं चाहिए सी एक पर्सन दे लिए बनाया जो वट आर यू डूइंग इतने क्वेश्चन सी वट डू यू डू तुम की करते हो आई रीड आई स्टडी इतने वट आर यू डूइंग मतलब उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे लिए सो आई एम रीडिंग मैं पढ़ रही हाँ सो इतने रीड की हो गया अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया आई एन जी ओदे नाल लग गया सो आई एम रीडिंग जे लेट्स से इतने होंगे ही है ना वट इज ही डूइंग तो आप कहें ही इज रीडिंग फिर उसे एम नहीं लगना से उसे इज लगना सी जे क्वेश्चन होता वट आर दे डूइंग वो की कर रहे ने मतलब मल्टीपल पीपल सो उत्थे बन जाना सी साडा दे आर रीडिंग तो जे प्लूरल है आर लग जाता सिंगुलर बनना तो उत्थे इज लग जाएगा बट पर्टिकुलरली आई है तो आई दे नाल एम लगता है सो आई होप इट इज क्लीयर मूविंग टू थर्ड वन इट इज परफेक्ट टेंस मीन्स पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सो ए जो भी कोई परफेक्ट टेंस आ जाए आप हैज हैव हैड लगाना होंगे सो इतने अपने को हैज लगेगा हैव लगेगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा हूँ रीड दी रेड होंगी है प्रोनंसीएशन थर्ड फॉर्म की बट स्पैलिंग हो ही रेंगे सो जो इतने होंगे आई वुड से कुछ होर वर्ड होंदा ओदी फिर अपने को चेंज हो जाती है स्पेसिफिकली रीड है तो रेड प्रोनाउंस करांगे लिखांगे रीड नूं सो आई आई दे नाल कदे भी हैज नहीं लगता यू नाल भी नहीं हैज लगता ये दोनों एक्सेप्शन्स होंदियां आई एंड यू इहनां नाल मोस्ट ऑफ द टाइम प्लूरल वाली चीज लगती है सो इत्थे बाकी जे शी होएगा ही होएगा ना होएगा तो हैज हैव लग जाएगा इट होएगा हैज लग जाएगा जे प्लूरल होणगे वी दे तो उत्थे अपने को हैव लग जाएगा सो हेयर आई नाल प्लूरल वाला लगेगा सो आई हैव रेड पढ़ चुका बंदा ठीक है सो ए हो जाएगा सो जे इत्थे होंदा अपने कोई होर वर्ड रीड की जगह तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इत्थे यूज कर लेंगे सिंपल जिदा एक वर्ड हों कट वो भी कट 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 ही रहा तो उत्थे भी सेम ही रहता देर आर सर्टन वर्ब्स जिन्हों का मतलब सेम ही रहता चेंज नहीं होंगे बट काफ़ी सारे आ मोस्ट ऑफ द वर्ब जो उन्होंने फॉर्म्स चेंज होंगे ने सो दैट यू नीड टू लर्न एक बार याद करोगे दो बार करोगे विल गैट इन टू माइंड बट इस रूल है जो बिल्कुल सिंपल है जो थोड़ा वर्ब आदि ने सो यू विल बी एबल टू मेक दिस सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट दैन वी हैव परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ये जोड़ा सेंटेंस आ थोड़ा जहाँ मैच करता थोड़ा जहाँ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना वैन इट कम टू कॉन्टीन्यूअस कोई चीज़ कर रहे हैं आप कॉन्टीन्यूअस आ उस चीज़ लिए तो उसे आई एन जी लगेगा ही लगेगा तो आई एन जी हमेशा वर्ब की फस्ट फॉर्म न ही लगेगा सैकेंड नाल ही लगेगा थर्ड नाल भी नहीं लगेगा अगेन रूल हूँ इतने है परफेक्ट हैज हैव लगेगा कॉन्टीन्यूअस है तो बीन लग जूगा बी वन लग जाएगा एंड आई एन जी विद फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बीन रीडिंग एक होर चीज़ भी ध्यान रखनी है जो भी तुम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो है सेंटेंस बनाने तो वो असं सेंस या फॉर यूज करते हैं इदा के सेंटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट नॉलेज दिता चीज़ की जिदा आप कही कि सेंस फॉर कद यूज होंगे टाइम के लिए असं बहुत ही प्रसाइसली टाइम दसीए जिदा आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 AM सिंस मॉर्निंग है ना सो ये चीज़ आ जाएगी आई हैव बीन रीडिंग फॉर फाइव फॉर फ्यू आवर्स इदा बोल सकते हो जो है ना सो टाइम जिथे टाइम की गल आ जाएगी असं सेंस फॉर नाल यूज कर लाँगे इफ इट इज़ रिक्वायर्ड नहीं तो इदा भी साडा जिहड़ा सेंटेंस वह बिल्कुल ठीक आ आई हैव बीन रीडिंग जिथे हुंदा ही शी या कोई पर्टिकुलर नाम हुंदा लेट्स से रुपिंदर सो रुपिंदर हैज सिंगुलर है परसन एक बंदा है तो उत्थे हैज लगेगा जे काफ़ी सारे लोग ने तो हैव लग जाना सो शी हैज बीन रीडिंग ही हैज बीन रीडिंग दे हैव बीन रीडिंग बहुत ध्यान रखना सिंगुलर दे नाल हैज ते प्लूरल दे नाल हैव लगेगा एंड आई एंड यू नाल जिहड़े आ हैव वाले वर्ब जिहड़े वर्ड है लगते हैं सो
just buy the paper ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਡੂ ਨਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਵਰਬ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਰੀਡ ਆਈ ਡੂ ਰੀਡ ਆਈ ਰੀਡ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਐਮ ਆਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਅਗੇਨ ਵੀ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲੱਗੂਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਆਈ ਐਨ ਯੂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੱਗਦਾ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਈ ਨਾਲ ਐਮ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਡ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਐਂਡ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਆਈ ਹੈਵ ਰੈਡ ਰੈਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਵੀ ਰੀਡ ਦੀ ਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਬੀਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਵੀ ਔਨ ਐਂਡ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਅਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਸਿੰਸ ਐਂਡ ਫੋਰ ਸਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ 5 AM ਮੋਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਜੇ ਫੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫੋਰ 3 ਈਅਰਸ ਫੋਰ 4 ਈਅਰਸ ਫੋਰ 3 ਆਵਰਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਗਾਇਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਵੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਿਸ ਆਰ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰੈਕਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇ ਬੀ ਲਾਈਕ 1 day or 2 ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ ਯੈਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਮਚ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਥਿੰਗਸ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਵੁਡ ਹੈਵ ਸਮ ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਯੂਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੁੱਕਿਓ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੱਗੂਗਾ ਦੈਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਾਏ ਯਰ ਓਨ ਸਿਟ ਇਨ ਅ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਗ੍ਰੈਪ ਔਨ ਦਿਸ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਇਸ਼ੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਣ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਫੋਰ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਟੂ ਦ ਵੀਡੀਓਸ ਆਲਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਔਨ ਦ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਥੈਂਕ ਯੂ